मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अपनों का जाना भला किसे नहीं अखरता, अपने को छोड़कर जाना किसको नहीं अखरता, अर्थात सबको अखरता है। ऐसी कुछ एक लोगों की भ्रामक कल्पना है, ये उनके मन का अपना एक वहम है। क्योंकि अपनों का जाना उन लोगों को हरगिज नहीं अखरता जिन लोगों को अपनों के प्रति अपनत्व ही नहीं है। दरअसल शास्त्रीय भाषा में वे उनको अपना मानते ही नहीं है। बहुत प्रॉपरली कहना हो तो वे उनके अपने है ही नहीं। दुख क्यों हो? दुख तब हो जब पराये में अपनत्व की मान्यता हो, तब उनका जाना अखर सकता है कदाचित। देखिए, जो लौकिक मार्ग में गुण बोला जाता है, लोकोत्तर मार्ग में उसे दुर्गुण बोला जाता है, और लोकोत्तर मार्ग में जिसे गुण बोला जाता है लोक में कदाचित उसे दुर्गुण कहा जा सकता है, माना जा सकता है। मतलब लोग मानते होंगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, जैसे लोक में किसी भी काम को करना है तो एक सलाह मिलती है आपको, आश्रय। कोई काम करना है आपको तो अपनत्व से क्यों नहीं करते? एग्जाम्पल, कक्षा में बैठना है, अपनत्व से क्यों नहीं बैठते? दूसरों ने बिठाया है, ऐसे क्यों बैठते हो? कोई भी काम करते समय अपनत्व से किया करो। आपको वैयावृत्ति का अवसर मिल गया, जब करना ही है, बोलो अपनत्व से क्यों नहीं करते हो आप? और लोक में इसको, किसी भी काम को अपनत्व से करने को, अपना मान कर करने को, मैंने कहा मेरे पास शाम को वो ग्रंथ लेके आना। लेके तो आप आओगे, लेकिन आप यदि अपनत्व से आओगे, अपनत्व मतलब मुझे अपना समझ कर आओगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कुछ कैसे बढ़ेगी? आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे भी आनंद झलकेगा, भक्ति झलकेगी, मुझे भी उसको यूज करने में अच्छा लगेगा। बट लोकोत्तर मार्ग में ऐसा नहीं है। लोकोत्तर मार्ग में पहला रूल है, डू वॉट एवर यू कैन, बट कोई भी काम अपनत्व से मत करो, क्योंकि अपनत्व से करने से उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है। अपनत्व का ही अर्थ मोह है, और बिगाड़ सुधार का तिलक अपने माथे लगाता रहता है, और उसको लेकर मातम भी करता है, हर्ष भी करता है। तो करो सब काम, जगत के करने की नौबत आए तो करो सब काम, बोलिए अपनत्व से मत करो। और सम्यक दृष्टि, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा भगवद गीता में, स्थित प्रज्ञ उसी को कहते सम्यक दृष्टि। वो ऊपरी सब क्रियाकलाप करते हुए भी अंतस से कहीं भी जुड़ता नहीं है, उसी को छह ढालाकार दो चार उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, और एक उदाहरण क्या है,
गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, आदि कई उदाहरणों को बता बता कर बनारसी दास जी ने एक छंद में, अच्छा ही छंद, मुझे ज्ञान में नहीं है अभी, उसमें उन्होंने 7-8 उदाहरण दिए सम्यक दृष्टि की कैसे परिणति होती है। जिस प्रकार कोई नट सबके साथ बात करता है, हंसता है, हाथ भी करता है किसी के हाथ कराए जाने पर, लेकिन दृष्टि पूरी टिकी है इतनी सी रस्सी पर, और वो दृष्टि वहां से थोड़ी भी हटी कोलैप्स, एंड दैट में लीड टू, अब आपने देखा होगा कितने ऊंची ऊंची खाई है नीचे, और बराबर एक रस्सी पर, इतनी सी रस्सी पर चल के जाते हैं, सबकी तरफ देखते हैं, सबका अभिवादन लेते हैं, कदाचित सबसे बात भी करते हैं, लेकिन दृष्टि वहीं पर गड़ी रहती है। मैंने आपको कभी बताया होगा, अभी नहीं होंगे वे, ओह आई फॉरगॉट, पी के ग्रैंट नाम था डॉक्टर का, पी के नॉट पी के ग्रैंट डॉक्टर थे रूबियो हॉस्पिटल के, और जब ऑपरेशन करने आते थे स्वयं ड्राइविंग करके आते थे पूना हॉस्पिटल में, हमने देखा पूना का रूबियो हॉस्पिटल में, और ख्याति यह थी उनकी एक भी ऑपरेशन फेल नहीं गया, 105 एज, और ऑपरेशन करते समय नीचे देखते ही नहीं थे, और बातें भी करते हैं, और फाड़ते भी जा रहे, चिरते भी जा रहे, सिलते भी जा रहे, इतनी कमांड, आप समझ रहे मेरी बात को, और वही उसी में आंखें गड़ी है, और ऑपरेशन बिगड़ भी सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा, क्यों कह रहा हूँ, नट का उदाहरण दिया, नट सब कुछ करते हुए आपको लग रहा है आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे है इतनी पतली सी रस्सी पर। पनिहरण का एक उदाहरण दिया है, एक साथ कितने ढो रही है, एक के ऊपर 5-6-7, अब 3 ढोकर दिखाए आज के तारीख में कोई, और 5-5 आम तौर पर देखने में आते थे, और ये 5-5 ढोते हुए बात सबसे कर रही है, सब पूरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अंग सब हिल भी रहे हैं उसके, ऐसा होते हुए भी सिर नहीं हिल रहा है, और दृष्टि पूरी केंद्रित है ऊपर, लेकिन वो भय आपको उनके चेहरे पर नहीं झलक रहा है, और जिनके चेहरे पर झलक रहा है उनकी दृष्टि वहां नहीं है, और वो तो और गिराएगा उसको। बात कहने की ये है, अष्टपहुड़ की गाथा है, जो सुतो व्यवहारे सो जोई जग गए सक जम्मी। अर्थ समझ में आता है, अर्थ किसी को समझ में आया, समझने का प्रयास किया, जो व्यवहार में सोता है वो अपने काम में जगता है, आप आशय बिल्कुल सही समझ रहे, जो व्यवहार में सोता है वो निश्चय में जागता है, जो क्या, जो जगदि व्यवहारे, और जो व्यवहार में जगता है वो अपने काम में सोता है, क्योंकि एक जगह ही उपयोग लगेगा ना। बात कहने की ये है, कुछ भी करो अपने तो से मत करो, लोक और लोकोत्तर की परिभाषाएं थोड़ी सी अलग अलग होती है। अपने प्रकरण पर आना है, प्रकरण आज शोक भय जुगुप्सा का चलना है, शोक कषाय के वशीभूत होकर क्या क्या हालत होती है वो देख रहे हैं, और उसके लिए मैं ये बता रहा हूं, सबसे पहले फॉर्मूला, वियोग के काल में दुख उसको होता है जिसने संयोग के काल में दिल लगाया है, एक दो, वियोग के काल में उतना दुख होता है जितना संयोग के काल में एकत्व किया है, सिंपलर भाषा में, वियोग के बाद उतना मातम मचाता है, इतना सिर फोड़ता है, उतने आंसू बहाता है जितना संयोग के काल में जितना बड़ा जश्न किया था, बर्थडे के काल में जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मरने की भी आवश्यकता नहीं है, मरने की आशंका भी छार छार कर देती है, यह एक दारुण मोह की निशानी है। अगेन
वियोग के काल में उतना दुख है जितने संयोग के काल में जितना हर्ष है, और वियोग के काल में दुख उसको है जिसको बोलिए संयोग के काल में प्रीति है। मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं, उदाहरण समझने का प्रयास करना। नाउ ये रुमाल गुम हो गया, ये रुमाल गुम हो गया, आश्रय किसको दुख होगा? हाँ बोलो अर्जो। हाँ हाँ बस बोलो। आई फॉरगॉट योर नेम। हाँ आपका उत्तर तो तात्विक आया है वैसे जो मुझे देना है। मैं नॉर्मली पूछूं ये रुमाल चला जाए तो दुख किसको होगा, तुमको कि मुझको होगा? अरे तुमको और हमको की क्या बात है, जितना पराय तुम समझते हो इसको उतना ही पराय हम समझते हैं, तभी तो चाहे जो कुछ पूछ रहे उसको अपना मानते तो ऐसे कैसे। आई मीन टू से समझ में आता है मुझे क्या कहना है? मतलब बहुत अच्छे से कहना हो, इस रुमाल का जाना जिसके पास से वो गए उसको दुख का कारण होना जरूरी नहीं है। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देता हूँ, जैसे अपन बच्चों का उदाहरण लेते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं अपने प्रांगण में, एक दिव्य है, एक ध्वनि है, सिया भी है और भी। दिव्य से कोई रुमाल गुम हो जाए, पजामा खराब हो जाए, गंदा हो जाए, किसको तकलीफ है ज़्यादा? अगेन फट जाए तकलीफ किसको है? प्रश्न उत्तर दीजिए। तकलीफ उसको है जिसको जितना एकत्व है उस वस्तु में, जिसकी वस्तु है जिसने अंगीकार करी है उसको दुख होना जरूरी नहीं है। दुखी होने के लिए जरूरी है प्राप्त संयोगों में अटैचमेंट करना, अटैचमेंट। इसलिए सुख का रहस्य डिटैचमेंट है। चैरित्तम कर्मचारित्तम, क्या कहा मैंने? आपको पता होगा मोह क्षय, जल्दी बोलना अर्चित बोलो, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, व्हाट विल दैट कम? मोक्ष है, मोक्ष है, दैट विल कम। ओके दिस इज नॉट लाइक राम 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 राम। आप समझ रहे? अगेन नेक्स्ट 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 चीज मैं बता रहा हूं। चैरित्तम 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 चारित्तम। आप समझ रहे मेरी बात को? व्हाट इज चय एंड व्हाट इज रित्तम कोई बताएगा? चय इज एक्युमुलेशन। चय चय समझते हो? संचय समझते आप लोग? संचय। चैरित्तम इज रिक्त होना, उससे ब्लैंक होना, उससे एक्युमुलेशन। यहां पर एक्युमुलेशन मतलब अटैचमेंट। अध्यात्म में अटैचमेंट इज एक्युमुलेशन। क्या कहा मैंने? सूत्र बोलो, तत्व और सूत्र का, जल्दी जल्दी सम्यक, जल्दी बोलो बोलो। अध्यात्म में अटैचमेंट इज एक्युमुलेशन। आप समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? तत्व और सूत्र का सूत्र बोलो जल्दी। मूर्छा परिग्रह। अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह बताया गया है। तत्व और सूत्र सर्वथा आगम का ग्रंथ नहीं है, ऐसी भूल मत करो। आगम का भी कथन उसमें है, 10 प्रकार के परिग्रह का आदि आदि। मूर्छा परिग्रह, जिस प्रकार अध्यात्म में प्रमाद को हिंसा बताया गया है उसी प्रकार अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह बताया गया है। मूर्छा परिग्रहोत्तीय अज्जप पमान दो पमाद दो भणि दो। कुछ समझ में आता है? क्या कहा मैंने? मैं भूल रहा हूँ अभी उच्छन जो जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो इरिया समिति से चलता हुआ कोई मुनि है और कोई जीव आकर मर जाए पैर के नीचे, उसको ग्रंथों में सूक्ष्म भी हिंसा नहीं कही है, क्योंकि अध्यात्म में प्रमाद ही हिंसा है, जिस प्रकार मूर्छा परिग्रह होती है। आइए अपने प्रकरण पर। अगेन वेरी फॉर्चुनेटली अच्छे गुरुजन मिलते हैं स्कूल लाइफ में, वेरी फॉर्चुनेटली अच्छी दोस्त मंडली भी मिलती है। मैं रियलाइज करता हूँ इस बात को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली
थिंकिंग इज नॉट द सब्जेक्ट इन स्कूल सिलेबस. क्या कहा मैंने? आपको इतने सारे स्कूल सब्जेक्ट है, कहीं भी एक सब्जेक्ट आपको टकराए दसवीं तक? थिंकिंग, हाउ टू थिंक? नहीं. कॉलेज लाइफ में कहीं होगा हाउ टू थिंक? नो. और आजकल पेरेंट्स भी सभी बातें करते हैं प्रोग्रेस की, दे डोंट टॉक अबाउट हाउ टू थिंक. क्या विचार करना चाहिए, किसी भी बात को कैसे विचार करना चाहिए, इसकी शिक्षा विश्व में कहीं भी नहीं मिल रही है. इसलिए आज डैम फेलियर वी आर सीइंग ऑब्जर्विंग. बट फॉर्चुनेटली मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला कॉलेज लाइफ में. कॉलेज लाइफ में तो बहुत ही आप कल्पना ही नहीं कर सकते. और उस जमाने में, जिस जमाने में 80-90% लड़कियां और लड़के सब मिलके बात कर रहा हूं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग तो आम चीज है, आम. ऐसे में मैंने जिक्र किया तो 2-4-10 दिन पहले आई थिंक हिरेन शाह का फ्रॉम मुंबई कांदिवली. तब वो हिरेन क्या कहते तो सुनिए आप. तब मुझे धर्म की बिल्कुल ही रुचि नहीं थी. तब हिरेन ऐसा कहता था, इट मूव्ड मी रियली. हम 2 साल बहुत ही संपर्क में रहे, अच्छे. साथ उठना, साथ बैठना, ये समझ लो कि जहां पर वो दिखेगा वहां पर मैं दिखूंगा, जहां पर मैं दिखूंगा वहां पर वो दिखेगा. अविनाभावी एवरीवन यूज्ड टू कॉल. एक दिन वो मेरे पास आया. पहले दिन क्या हुआ, हम कहीं गए, 20-20 रुपए कहीं भरने थे कॉलेज में. तो उसने इमिजिएटली ही, मैंने टटोलने लग गए एंड ही फाउंड कि आई एम नॉट फाइंडिंग एनी मनी. तो उसने फटाफट ही गेव 20 रुपीज. तो उसने मुझे इशारा किया आई हैव गिवन. लौटते समय आपको बहुत आश्चर्य होगा, लौटते समय उसने कहा, सचिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी. उसने ये बोला मुझे, तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो क्या? तुम ये समझते हो क्या कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं? ऐसी भूल नहीं करना. और तुम भी मेरे से अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हें अटैचमेंट नहीं रखता हूँ. भले ही अपन साथ साथ घूमते उठते हैं. और सुनो, 20 रुपये जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम मुझे कल दे देना बिना मांगे. बात पैसे की नहीं थी, बहुत ही गंभीर था वो. उसको जनरली वैसे पूरा हॉस्टल उसको गांधी कहता था. उसने बहुत दमदार बात कही. क्या कही मुझे बात? हम भले ही, बात पैसे की नहीं थी बहुत बड़ी, कुछ भी नहीं थी. वो तो किसी पर भी वैसे ही खर्च कर लेता था. लेकिन वो कहता था, हम रात दिन उठते बैठते जागते सोते हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, फिर प्रोजेक्ट पार्टनर भी रहे हम फाइनल ईयर. यहाँ तक कि हमारी बीमारी सुमारी को वो मुझे कहना भी नहीं पड़ता था, इसको पूरा कर लो. मुझे ये पता चलता था सबमिशन भी हो गया है. लेकिन वो एक बात मुझे आखिर तक कहता रहा, जो सेकेंड ईयर से कहना चालू किया था, तुम मुझे अपना नहीं समझना. तो मैं उसका मर्म ही नहीं समझता था कुछ. लेकिन आई वाज जस्ट मूव्ड. मैं ये समझता था कि कुछ अद्भुत बात कह रहा है वो. और ये तो समझ में आती थी, ये दुखी न होने के लिए कुछ उपाय बता रहा है. शोक का प्रकरण है, अनिष्ट का संयोग अथवा इष्ट का वियोग, आप कुछ भी कहो इसको. होने के बाद यह जीव विभल होता है. नॉर्मली जीव जिस पे बहुत दिल लगाया है विभल होता है, गिड़गिड़ाता है, इतने रोते हैं, रोते रोते शून्य हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, होश में आने पर फिर से रोने लगते हैं. और कुछ कुछ तो रामचंद्र जी का तो रोज ही उदाहरण चल रहा है. उदाहरण को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ. सती प्रथा भी इसी की उपज होने लग गई कि उनके बिना मेरा अस्तित्व तो कैसे होगा. उनका जाना हमको सुहाता ही नहीं. इष्ट का वियोग अथवा अनिष्ट का संयोग, इससे होता है शोक. और बचाव के लिए उपाय करता है, विभल करता है, शोक संतप्त तो होता है, और जो भी आए उनसे वैसी बात करता है. कल आपने काफ़ी चर्चा हुई थी, मैं ये कह रहा था, वो ये समझता है जितने जनों से बात करेंगे जी बोलो हल्का हो जाएगा. मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज नॉट शेयरिंग. और हमारा 100 रुपये हमने जब तुम्हें 50 रुपये दिया तो हमारा घटा, राइट रचित फॉलोइंग. हमने 50 तुमको दिया हमारे अपनी जेब से तो हमारे पास का घटा. ऐसा इक्वेशन मिजरीज में
सोरोज में और हैप्पीनेस में भी लागू नहीं होता। मैंने आपको दुख दिया, मैंने कहा साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसका बाइटू नहीं होता। तुरंत बोलना चाहिए आपको, बोलो, उसका इंटू टू हो जाता है। मेरी आफत तो मेरी आफत है ही। बहुत जन समझदार बच्चे ऐसे होते हैं मंगलार्थियों में भी, अरे पापा जी को क्यों कहना इतनी इतनी सी बात, अभी ठीक है, फिर वे टेंशन लेते हैं। आप सब समझ रहे हैं बात को, क्योंकि व्हेन इट डिवाइड्स इनटू टू, इट रियली मैथमेटिकली डजंट डिवाइड, इट गेट्स मल्टीप्लाइड, दिस इज नॉट सब्ट्रैक्शन। और जितना शेयर करोगे आप, मैंने मेरा दुखड़ा आप कितने 50 जन के सामने गाया तो 4-5 स्टार्टेड वीपिंग हियर ओनली, एंड समवन स्टार्टेड क्राइंग, और फिर जाते जाते फिर सम ऑफ द पीपल स्टार्टेड गैदरिंग सिंपथी इवन फ्रॉम द अदर न्यू पर्संस, ऐसा हुआ आज पंडित जी को, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, चलो ना, चलो ना, और तुम भी कंट्रीब्यूट करो ना, और सभी आए वहाँ पर करे ऐसा वो, ऑल टू गैदर सिंपथी। क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा जनों को अपना दुखड़ा बोलना, रोना, टू गैदर सिंपथी, और वो ऐसा मानता है कि दिस विल मिनिमाइज। और हमारे यहाँ असाता वेदनीय के आश्रव के कारणों में, क्या कहा, सूत्र बोलेगा कोई, दुख शोक ताप आक्रंदन, ऐसा सूत्र है, बोलिएगा सूत्र। हाँ बोलो, वत वध परिदेवनान्य, क्या परोभय आदि आदि, ठीक है। परिदेवन का अर्थ क्या बताया था, ऐसा रोना जिससे सामने वाले को भी सिंपथी क्रिएट कराना, टू क्रिएट सिंपथी। लेकिन मैंने बोला एक दिन ऐसा, एक खटिए पर लेटी थी विधवा, और ये बोली काश आज वे होते तो आज हमको ये दुख नहीं होता। मैंने कहा बहन, आज वे होते तो तुम्हारा दुख कैसे नहीं होता, तुम्हारा दुख तो होता ही होता, एक और अवसर होता तो वो ये होता, आपके दुख को लेकर यदि वे मोही होते तो आपका दुख उनको भी हो जाता, मोही होते तो ये कोई प्रावधान नहीं होता अपने वस्तु स्वरूप में। आइए 2-3 लाइन्स पढ़ लेते हैं। तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है। यह हम अक्सर इसको देख सकते हैं जब किसी का कुछ हो जाए, और रामचंद्र जी पर यह हालत हो गई, बोलिएगा कोई, हाँ, पेड़ आदि से बोलने लग गए, चाहे जिससे बात करने लग गए, डोंट माइंड। वैसे मुझे किसी ने बताया, एक वीडियो वायरल हो रहा है, बेगर का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बेगर इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है कि शायद ही कोई टक्कर करे उसकी, और एक एक चीज इतम भूत बात करता है, उसकी शक्ल देखकर ही वो भिखारी लगता है, दैट्स ऑल, इतनी बात है। मैं क्यों कह रहा हूं, इतना मेरिटोरियस पर्सन, ऐसी हालत क्यों हुई, उसको तसल्ली से पूछा तो उसने बता दिया, शोक में, गम में, और वो छोड़ के चली गई, शी डिनाइड माई प्रपोजल, दैट वॉज द केस। थोड़ा सा शोक में हमारा प्रथमान योग्य कहता है वीरसेन, जिसकी पत्नी को धोखाधड़ी से मधुराजा ने हस्तगत कर लिया, समझ रहे मेरे प्रकरण को, प्रथमान योग समझ गए, मधुराजा ने छल से इनवाइट किया वीरसेन को और उनकी पत्नी को, और प्रेम आ गया था पत्नी पर, और किसी कारण से वीरसेन को आउट कर दिया, पत्नी को अपना बना दिया, वीरसेन पर यह हालत हो गई, रस्ते रस्ते घूमने लग गया, भिखारी जैसी हालत हो गई, और सब जगह वही बात बोलता जा रहा है, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, और एक दिन ऊपर छत से दोनों देख रहे, वही पत्नी, भूतपूर्व पत्नी, एक्स वाइफ ऊपर से देख रही है, और ये, और दोनों आपस में देखकर हंस रहे हैं, ये स्वार्थ का सगा संसार। तो सच्चा उपाय क्या है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को
तड़पता है, वह दुखी है, राम जैसा उद्भट नहीं बर्दाश्त कर सका, दीक्षा को जाना भी बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बोलो बेहोश हो गया। अब जानते बनारसी दास जी का मैंने कभी आपको बताया होगा, बनारसी दास जी वॉज सो इंटीमेट टू बादशाह अकबर, अर्धकथानक देखना चाहिए, अर्धकथानक। व्हेन ही लिसन्ड द न्यूज अकबर मर गए हैं, खबर सुनते ही गिर गए, अर्धकथानक, और गिरकर सिर फूट गया, बहुत सारा खून बह गया, ऐसा सब ये सब, और लोक में इसको शॉकिंग न्यूज कहते हैं। थैंक गॉड हमारे मिशन में दुखद निधन, सैड डिमाइस जैसी कोई बात नहीं होती। 50-60 साल पहले कोई मर जाता था तो ऐसा लिखा जाता था, शोक समाचार। लेकिन शोक को हमारे आध्यात्मिक विश्व में कोई अवसर है तो आज उसको शोक समाचार न कहकर बोलिए। हम तो बनिया बुद्धि वाले, वी गेन एवरीवेयर। किसी को मरता देखकर हम वहाँ से भी गेन करते हैं, अपने वैराग्य को उठा लेते हैं, उसको हम कहते हैं वैराग्य समाचार। मुझे याद आता है एक दिन मैं देवलाली में था, वो मेरे प्रारंभ के दिन थे और गुरुदेव की जन्म जयंती को लेकर कोई जन्म जयंती पुण्यतिथि आई एम नॉट वेरी श्योर को लेकर कोई कार्यक्रम था। मंच का संचालन डॉक्टर साहब कर रहे थे, हिज सन परमात्मा प्रकाश भारिल केम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड महिमा मंडन करते समय रोए। हाउ व्हाट विल यू फील, दिस इज डिवोशन, दिस इज लव। और वो चलते दौर में डॉक्टर साहब ने उसको टोका, और टोका साधारण तरीके से नहीं, बहुत बेकार तरीके से टोक कर ये कहा अपने पुत्र को, इस जैन शासन में आंसू बहाने का कोई काम नहीं है, आप उसको कितना ही अच्छा भले ही नाम दे दो लेकिन कहेंगे तो इसको आर्त ध्यान, बिल्कुल अवसर नहीं, स्टॉप दिस। अच्छी घटना एक मैंने प्रत्यक्ष देख ली, ये जो उपाय करता है चिल्लाना पुकारना एक एक को इकट्ठा कर करके, तो सब ऐसा हुआ, सब ऐसा हुआ, जो जो भी पूछे उसको चेट रहा है, सबको चेट रहा है, और सब मजे ले रहे तेरी, तू समझ नहीं रहा है, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। रहे मन निज मन की विथा, बोलो विल यू कंप्लीट। रहे मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। अर्थ समझ में आ रहा है, अपने मन की व्यथा कीप इट विथ यू ओनली, अपने पास छिपा कर रखो। सुन ले है अठिले है लोग सब, क्या कहा, सुनते सभी है और मजे लेंगे पीठ पीछे, बांटने ले ही कोई, बांटेगा कोई नहीं तुम्हारा दुखड़ा। सच्चा उपाय क्या है, तेरे उपाय झूठे क्यों है भैया, जिनका आना जाना सबका टिकट सबका रिजर्वेशन डेस्टिनेशन सबका तय है, कितना चलना कैसे चलना। बहुत जन ऐसे होते हैं गर्भ में बच्चा आया, वन एक बार दो बार तीन बार, तीन बार एक महीना बच्चा चला गया, दो महीना बच्चा चला गया, तीन महीना बच्चा चला गया, और डिप्रेशन में चले जाते। बहुत जन, बहुत जन देखने में है, किसी के देखने में है, आपकी दृष्टि वैसी हुई नहीं है एक्चुअली। आपकी दृष्टि यदि वैसी होने लग जाए आपको कई मरीज मिलने लग जाएंगे आप, ठीक है। जाना आना सबका अपना अपना उदय तय करता है, हमारे रोकने से कोई रुकता नहीं और हमको हमारे हटाने के भाव से भी कोई हटता नहीं है। सच्चा उपाय क्या है बताइए, कोई बोलिए, कोई जल्दी सुन, सच्चा उपाय क्या है। अगेन सोच कर बोलो, क्योंकि यह कंफ्यूज करेगा आपको। यहां पर इष्ट भी वर्ड आया, अनिष्ट भी वर्ड आया, लेकिन आपको समझना चाहिए अनिष्ट बुद्धि का छूटना, क्योंकि यह द्वेष रूप प्रकृति है, आप समझ रहे हैं। और यहां पर देखिए ना क्या लिखा है, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग,
दोनों के वियोग की बात नहीं कर रही है और ना ही दोनों के संयोग की, जिसको लेकर आप ये दो कंफ्यूज हो जाओ, इसकी बुद्धि कही कि उसकी बुद्धि कही, ये अनिष्ट बुद्धि है। और नेक्स्ट में क्या लिखेंगे बोलो? अपनी किसी वस्तु का वैसे ही वियोग नहीं होता, क्योंकि अपनी वस्तु का तो जाना संभव ही नहीं ना। जो जाता है सो अपना नहीं, जो अपना है सो जाता नहीं। मंडी से जो हम करेला लेकर आए, रगड़ रगड़ कर इतना धोया और जितना हरापन निकला है, पूरी करो बात को, वो करेला का थोड़ी है। दैट वॉज एडेड, दैट वॉज पॉइजन। और उसके जाने में तू क्यों मातम मचाता है? जो मुलम्मा है वही निकलता है, जो ऊपरी चीज है वही हटती है, जो इंटरनल चीज है वो कभी नहीं हटती। कुछ काला दाग लग गया यहां पर, किसी ने सावधान किया, सब काला दाग लगा है और मजे लेनी हो तो क्या करना? किसी को तिल होता है ना, तिल मसा, सब काला कुछ लगा, काला कुछ लगा, काला कुछ, एक दूंगा, क्योंकि एक कालापन हट सकता है, एक कालापन हट नहीं सकता ना, दैट इज इनबॉर्न। शोक की बात हुई, भय की बात कर लेते हैं। देखिए, यह जीव, इस प्रसंग में भी आपको विचार करना चाहिए, भय करना है तो जरूर करिए, बोलो बोलो, भय करना है तो जरूर करिए, बोलो। आप महावीराष्टक स्तोत्र का अंतिम छंद बोल सकेंगे? बोलिए। अनिर्वा, नो सर, दैट इज नॉट अंतिम। महामोहातंक प्रशमन पराग स्मिक भिषग, आगे विदित महिमा मंगल कर शरण्य साधूनाम भव भय भृतामोत्तम गुण। हमको कौन सा वर्ड चाहिए था? भव भय भृताम उत्तम गुणों, उत्तम गुण कहा। ये महावीर उनके लिए शरणभूत है जिनको भय भव के प्रति बहुत भय है। और परमात्मा प्रकाश का उदाहरण यदि याद आ रहा होगा आपको, पीछे करने सॉरी आगामी आने वालों भवों की श्रृंखला को जो पीछा करने वाले शेर की तरह देखता है, अगेन बोलो, आगामी आने वाली भव श्रृंखला को जो पीछा करने वाले शेर की तरह देखता है, उसको कहा योग्यता इसकी अच्छी है। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भव भीरु, क्या कहा? आत्मसिद्धि का बोला, समझ में आ गए? क्वालिटीज क्या है सम्यक दर्शन की? तो कह रहे हैं कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भव भीरु प्राणी दया। चार क्वालिटीज चाहिए, भव के प्रति बहुत भय चाहिए आपको, तभी तो काम होगा। और जो वैसे कुछ छूट जाए, यहां पर तो कषाय की बात है, कुछ वस्तु छूट जाए, ऐसे जिसको फियर है उसकी बात यहां पर चल रही है, ऐसे जीव क्या करता है? देखिए, तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट, सेम टू सेम ऊपर की बात यहां पर मिलेगी आपको, इष्ट वियोग और अनिष्ट के संयोग में यह चीज होती है। ही ट्राइज टू अवॉइड दैट इवेंट एनी हाउ। तीनों जो चल रही है ना हमारी नौकाशाय, कौन कौन सी? शोक भय जुगुप्सा, ये तीनों द्वेष रूप है और ये चाहता नहीं है वस्तु को सामने, तब ये चीज होती है। वो प्रसंग को नहीं चाहता, जो वस्तु जा रही है फिर वो डरना, कोई ऐसा ना हो जाए डरना, सप्त भय आदि आदि। और सम्यक दृष्टि को ऐसे प्रकार के भय नहीं होते। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ US, 33 में जब स्पीच हुआ उसका, और 33 ऑब्जर्व्ड मेजरेबल क्रिसिस, इकोनॉमिक क्रिसिस इन अमेरिकन हिस्ट्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एकदम कोलैप्स हो गया था अमेरिका। तब रूजवेल्ट ने जो स्पीच दिया था उसमें यह कहा था, द थिंग वी नीड टू फियर इज
फियर इटसेल्फ। यदि आपको डरना है तो डर से डरिए, क्योंकि यदि डर घुस जाए इट पैरालाइजेस आवर मोटिव्स। देखिए ना, थोड़ा सा देखिए, लिसन ना, लिसन। अमावस्या की रात थी, अर्जो क्या बोला, अमावस्या की रात थी, रात के 12-1 कुछ बजे थे, और बाय चांस अर्जो पर ऐसी नौबत आ पड़ी कि अकेला ही रह गया किसी बहाने। दूर दूर तक तो उसने आंखें उठा कर देखी तो दिखी कुछ नहीं रहा था, कोई दिखने का तो वैसे ही सवाल नहीं था। उसको इतना ही ख्याल में आया, मैं जिन पेड़ों के नीचे से चल रहा हूँ वो पीपल के पेड़ है। किसके? पीपल के पेड़ है, और ये सब जन जानते हैं। केवल बातें ही नहीं है कि पीपल के पेड़ों पर, जनरली पेड़ों पर, खाली स्थानों पर, जंगलों में, शमशान के स्थान पर, खाली घरों में व्यंतरों का वास बहुलता से होता है, और पीपल के पेड़ पर ज़्यादा। और पीपल के पेड़ से नीचे से गुजरते समय रात के 1 बजे जब सन्नाटा था, एंड समथिंग हैपेंड, एंड पीछे से एकदम झटका लगा, समथिंग टच्ड हिम, दैट वॉज नथिंग, एक पत्ता गिरा था और पत्ता नीचे से गिर कर नीचे गिरा था। बट पीछे मुड़कर देखने की ताकत है तुम्हारी? नहीं। अब क्यों मरे? मरण क्यों हो रहा है आपका? आपको किसने मारा? कोई बाह्य वस्तु है कहां जो मारेगी? कॉवर्ड्स डाई हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इन देयर लाइफ। क्या कहा? ब्रेव बट वंस। सुनी होगी कहावत आप लोगों ने, रियली ब्रेव डजंट कहना चाहिए, समझ रहे? कायर हजारों बार मरता है, वीर जो होगा जो और जो होना है वही होगा। 41 फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अगेन एक स्पीच में उन्होंने फ्रीडम की कल्पना रखी, वहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी सुन, व्हाट इज लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट। ये जो डेमोक्रेटिक, क्या कहना चाहिए इसको, आधारशिला है डेमोक्रेसी की, क्या क्या बेस है, बेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, ये हमारे लोकशाही कहेंगे इसको, है ना, लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ माना जाता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, 41 में जब स्पीच हुआ था उन्होंने 4 फ्रीडम की कल्पना ऑलरेडी पहले रख दी थी, फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट, एक राजनेता बोल रहे, राजनेता, फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट, हमको कुछ नहीं चाहिए, दो मैं भूल रहा हूं, वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच उसने उसमें डाला था, फ्रीडम ऑफ वर्शिप एक ये डाला, धर्म के लिए स्वतंत्रता, और एक चौथा डाला था, बोलिए कोई, फ्रीडम फ्रॉम फियर। श्वेतंबरों में यदि किसी का उठना बैठना कभी रहा होगा, वे एक माला जपते हैं, बोलो, माला जपते हैं वे लोग, जैसे अपन असिया उसायन माह कहते हैं, अरहन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कहते हैं, नमो नमोकार मंत्र बोलते हैं, आदि आदि जितने भी अपन कहते हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है एक, हमारे यहाँ चालू हो सकता है कहो तो, हालांकि बेवकूफ़ी भी है एक प्रकार से विचार करो तो। नमो जिनानम जीय भयानम, नमो जिनानम जीय भयानम, नमो जिनानम जीय भयानम, नमो जिनानम जीय भयानम, धड़ाधड़ 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 चालू रहता है। उन जिनेन्द्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने जिद भयानम, जिन्होंने भय को जीत लिया है। हमारे यहाँ आने के बाद, थोड़ा अध्ययन करने के बाद, मिलता जुलता शब्द मिला पंचास्तिकाय संग्रह के प्रारंभ में, नमो जिनानम जिद भवानम मिला, उन्होंने भयानम की बात की, यहाँ पर भवानम की बात आई। कुल मिलाकर मुझे तो एक ही बात लगती है, कोई खास बात अंतर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको कभी घटना सुनाई होगी मेरी, आई थिंक तब जब धर्म की रुचि ही लगी थी, अब मैं गांव से निकला भी नहीं था, बाहर आया भी नहीं था, खनिया धाना आया भी नहीं था, साल भर के अंदर की बात है,
तब वन डे मैं जब बाहर निकला शाम को, मैं पर्टिकुलर जगह जाता था रोज़ शाम को, तो जाते जाते एक जन धर्म की रुचि लग गई थी, तब की बात है। एक जन ने मुझे रोक कर ये कहा, आप नाम ओके, आप यहाँ रहते हो ओके, आपके घर के मेंबर्स इतने हैं ओके, नाम उनके सब फैमिली मेंबर्स को सब इतंभूत बताने लग गया। और फिर ये बोला कि इन कमिंग वीक, अगले हफ्ते में आपके फैमिली मेंबर्स में से 3 जन आपको पकड़कर, दे विल बी नो मोर, समथिंग विल गो रॉन्ग और 3 जन मरने वाले हैं आपके घर से। तो मैं तब जो उत्तर दिया था, जुनून था ना, कोई साधारण थोड़ी था, तो मैंने ये कहा। तो फिर तुरंत वो उसने मुद्रा बदल कर ये भी बोला आगे, यदि आप बचना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ऐसा करना, परसों गुरुवार है, गुरुवार के दिन 2 नारियल लेकर, आप थोड़ा सा सिंदूर लेकर ऐसा करना वैसा करना, फिर मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। गृहित मिथ्यात्व की बात करने लग गए। तो मैंने उसको ये कहा, यदि मैंने बीज बोया है कभी ना कभी कहीं ना कहीं, तो उगना ही उसके बोने की सार्थकता होती है। तो यदि मैंने कुछ किया है तो आई डोंट वॉन्ट टू वायलेट द रूल्स ऑफ कर्म फिलोसॉफी। जो मैंने किया है उसका उदय आना जरूरी है, क्योंकि ऐसा यदि नहीं आए तो जो मैं आज अच्छे काम कर रहा हूँ उसके रिजल्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, आत्मानुभव की विधि निर्वाण का मार्ग उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो प्रश्न चिन्ह एक ही जगह थोड़ी लगेगा, और ये रिस्क हमको बर्दाश्त नहीं है। उसकी सजा मिलती हो मिलने दो, लेकिन इसकी रिस्क हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसकी? धर्म को खोने की जोखिम पर हम कुछ नहीं कर सकते। और लोग अपने पूरे जीवन में सर्कल केवल इसलिए बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते होंगे आपको क्या लग रहा है? मैन इज अ सोशल एनिमल, विलियम शेक्सपियर जनरली कहते, क्या? मैन इज अ सोशल एनिमल, सो व्हाट? सामाजिक प्राणी है, इसीलिए हमें सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। आगे का प्रश्न क्यों बोलिए? क्यों? हेल्प, राइट राइट। हमको कभी काम आएगा कोई, ये सोचकर हम सैकड़ों जनों के बीच में काम में जाते हैं, दौड़ते दौड़ते। और मेरी ये सोच है, हम सैकड़ों जनों के हेल्प करने के लिए जाए ये उम्मीद लेकर कि कल हमको कोई संकट आएगा तो वे हेल्प करने आएंगे, तो सैकड़ों जनों के चक्कर काटने से क्या ही बेहतर हो सकता है कि हम इतनी ताकत स्वयं ही पैदा करें कि किसी के हमारे पास आने की नौबत ही ना पड़े। और फिर ताक झाक में हम समय बर्बाद भी नहीं करना चाहते कि हम तुम्हारे इसमें आए थे, तुम तो आए नहीं। फिर एकदम वो आकर वो राइट पर खड़ा हो गया, अधिकार की बात करने लग गया एकदम। हमको ये फिजूल नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सहयोग। तो तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो तुम क्या करोगे? पिताजी बहुत मुझे कहते थे इस बात को, सामाजिकता बहुत सिखाते थे मुझे, लोक में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। वे इस कहते थे, कैसी बात करते हो तुम, अपन दूसरों के मरे पर नहीं जाए तो हमारे मरे के बाद कौन आएगा? मैं कहता था मैं ये कहता था, भाई मरे के बाद कौन आएगा इसका विचार हम करेंगे? इतनी इतनी दूर की सोच है क्या हमारी? वो डेड बॉडी का क्या होगा? सैकड़ों वहाँ जम जाए हमारे मरने के बाद, और उसके लिए अभी हम परेशान हो जाए। मैं धर्म मार्ग में आने के बाद भी एक उसूल तो बना रहा, किसी के मरे पर कभी नहीं जाना। यदि जाने का प्रसंग आए तो जब तक जान में जान है हम कुछ उद्बोधन दे सकते हैं, संबोधन से दे सकते हैं, जिससे उसका लाइफ कैन टर्न इन प्रॉपर वे। समझ में आए? ग्रेट पीपल डोंट गो आउट, दे पास ऑन। वे बाहर नहीं निकलते हैं, वे आगे की यात्रा करने के लिए सुसज्ज तैयार। ऐसी कोई बात हो तो बताओ हमको। तो 10 दिन यदि मौका पड़े संबोधन देने का तो दैट इज वर्थ गोइंग देयर। बट मरे के बाद तो ठीक है, एक वैराग्य की बात है, कोई सामान्य गए आए, बट दैट इज जस्ट अ, बोलो, हैज बिकम जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और हम इतना समय नहीं व्यतीत कर सकते, हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो कभी। इतना भयभीत होने की अपेक्षा हम
ताकत बढ़ाए भेद विज्ञान की, और प्रसंग आएगा हमारे पास कोई नहीं आए, हम ही कहे चिट्ठी लिखो सबको, कोई आए नहीं, हमको डिस्टर्ब करे नहीं, हमारी गुप्त गुफा से हम बाहर निकलने वाले है नहीं। रामचंद्र जी जब लंका से लौट आए अयोध्या में, तो एक मॉब खड़ा था, एक असेंबली, दिस वॉज द फाइनल असेंबली। देन रामचंद्र जी दीक्षा लेकर मुक्त ही हो गए। तब सबको ये बोल रहे थे कि आपको कभी संकट आए तो आपको हमारा आशीर्वाद, आपको संकट आए तो ऐसी हेल्प हो सकेगी, ऐसा कभी हो तो ये हो सकेगा, आपको कोई दिक्कत हो तो कभी भी हमारे पास आ जाना, आदि आदि। उसके बाद तो वैराग्य ही हो गया था, सब हो गए। और उनके अजीज बोलो, लक्ष्मण के तो पत्ता ही साफ हो गया था तब तो, बोलो बोलो, उनके विभीषण जो पार्टी छोड़कर यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए थे, और सब अंदर की चीज़ें बता दी थी, तुम ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, यदि नहीं होता तो काम नहीं होता। यह विभीषण ने कहा, सुग्रीव ने कहा हाथ जोड़कर, आपने हमारे लिए ऐसा नहीं कहा, आप हमारे ऊपर संकट आएगा तो आप हमारे काम में आएंगे कि नहीं आएंगे, सबको बोल रहे हैं आप संकट आने पर हम काम में आएंगे, घबराना नहीं, मुझे कभी भी बोला लेना, आदि आदि। आपने हमको कुछ नहीं बोला, नहीं मैं तो आपको सच्चे दिल से चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता ही कहा हूँ आप पर संकट आए ताकि आप हमको बुलाते रहो, मैं तो ये चाहता हूँ, आप पर तो नौबत ही नहीं आए हम पर बुलाने की। देखिए, तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वो मर जाता है, सो यह दुखरूप ही है। अरे कहाँ जाकर बैठा ये, देख देख, अब नहीं समझे, समझ में आना। और भय होने पर ऐसी जगह जाकर बैठता है वहां पर 440, व्हाट इज दैट 440 ना, कितना वोल्ट रहता है वो, 440 रहता है क्या, कौन सा, ठीक है 440, वहां पर जाकर बैठा ये, झटके में मर जाएगा, लेकिन भय के कारण वो भी नहीं दिखता, कोई दुर्गंध स्थान नहीं दिखता, क्या करना समझ में नहीं आता, गांव छोड़ता है, सब करता है, सब नाम लिया कपने लगता है, ये सब हालत होती है, ये सब जो उपाय करता है ये सब उपाय झूठे हैं, बोलो, क्योंकि जो होनी है वो होकर रहती है और जो नहीं होना है वो तीन काल में हो नहीं सकता। सच्चा उपाय क्या है, अनिष्ट बुद्धि छूट जाए, कोई मेरा नाश करने वाला नहीं है, ऐसा समझे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ये तो हर जगह एक कॉमन चीज़ आपको समझना चाहिए। और किसी चीज़ से मुझे खतरा है ये बात भूल जाए। अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं हम लोगों से, वो कहते सब ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये ऐसा बोले, तो मैं उनको कहता हूँ किससे डर रहे, सब हम अपने मालिक, अपने मेरे को क्यों गुस्सा रहा है बीच में, तू तेरी बात कर, साहब मुझे मालिक का बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हमारा मालिक नहीं है कोई, हमारा मालिक बोलो बोलो ना हम ही हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये वो शासन है जहाँ पर ईश्वर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तू एरो गैरों का डर लगता है तुम्हें, तो बहुत ऐसी बात लगती है, यहाँ पर तो ईश्वर सबसे प्रतापशाली भी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि हमारे भगवान, मैंने कहा था, बोलिए, सर्वशक्तिमान नहीं है, अनंत शक्तिमान जरूर है, दूसरे पर अपनी कुछ चलेगी ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, और किसी के भी पास हुआ नहीं करता। प्रकरण अपना हो चुका है, शोक और भय दो की बात हमने पूर्ण करी, जुगुप्सा को हम रात में देख लेंगे। ओम नमः।